नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट करें पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पोस्ट ऑफिस की कुछ टॉप स्कीम के बारे में बताएंगे, जिनके अंदर यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ्यूचर के अंदर पैसों की तंगी नहीं होगी, पैसों की कमी नहीं होगी और आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। और जानेंगे कि आपको इन स्कीम के अंदर कितना इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलता है, या फिर आप मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप इन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें, बहुत से लोग हैं जो अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करते हैं। कोई दोस्तों बैंकों के अंदर एफडी करवाता है, कोई पोस्ट ऑफिस के अंदर करवाता है, कोई शेयर मार्केट के अंदर भी अपने शेयर खरीद के रखता है। ऐसे सभी अपने हिसाब से सेविंग करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जो कम रिस्क के साथ अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस स्कीम के अंदर। दोस्तों पोस्ट ऑफिस के अंदर बहुत सी स्कीम चलती है और ये सभी गवर्नमेंट स्कीम है, इसलिए दोस्तों इनके अंदर रिटर्न तो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आपको फ्यूचर के लिए एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, जिसके अंदर ना तो रिस्क होता है और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी साथ साथ मिलता रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कुछ अच्छी पोस्ट ऑफिस स्कीम के बारे में बता रहे हैं, जिनके अंदर आप अपने हिसाब से कितने भी टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे बोनस या फिर रिटर्न इन स्कीम से आप ले सकते हैं। सबसे पहले है दोस्तों पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम। दोस्तों यदि कोई पर्सन यदि कोई ऐसी स्कीम लेना चाहता है जिससे उसे मंथली इनकम मिलती रहे, तो वह पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम ले सकता है। इस स्कीम के अंदर दोस्तों यदि इंटरेस्ट ऑफ रेट की बात करें तो 6.6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑफ रेट इस स्कीम के अंदर दिया जाता है और मिनिमम इस स्कीम के अंदर 1000 रुपये और मैक्सिमम सिंगल अकाउंट के अंदर 4.5 लाख रुपए और जॉइंट अकाउंट के अंदर 9 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर कोई पर्सन इन्वेस्ट कर सकता है। दोस्तों कोई पर्सन मान लो इस स्कीम के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे मंथली 550 रुपए इनकम मिलेगी और मैच्योरिटी के टाइम उसे 1,33,000 रुपए मिलेगा। और दोस्तों यदि कोई पर्सन यदि ज्वाइंट अकाउंट के अंदर इस स्कीम के अंदर 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे मंथली 4950 रुपए मिलेंगे और मैच्योरिटी के टाइम यानी 5 साल पूरे होने पर 11,97,000 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों यदि कोई भी पर्सन जो कोई ऐसी स्कीम देख रहा है जिसे उसे मंथली तौर पर इनकम मिलती रहे और मैच्योरिटी टाइम अच्छा पैसा मिले, तो वह MIS स्कीम ले सकता है पोस्ट ऑफिस की, यानी मंथली इनकम स्कीम ले सकता है पोस्ट ऑफिस की। दूसरे नंबर पे दोस्तों पोस्ट ऑफिस PPF स्कीम यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। दोस्तों ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर लॉन्ग टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कोई भी पर्सन ये चाहता है कि वह लॉन्ग टाइम तक अपनी सेविंग करे अपने फ्यूचर के लिए और उसके बाद उसको अच्छा खासा पैसा मिले, तो वह पोस्ट ऑफिस की PPF स्कीम ले सकता है। दोस्तों इस स्कीम के अंदर इंटरेस्ट ऑफ रेट की बात करें तो इसके अंदर 7.1% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑफ रेट दिया जाता है और कोई भी पर्सन इस स्कीम के अंदर मिनिमम 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकता है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है और 15 साल की मैच्योरिटी के बाद इस स्कीम के अंदर अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि दोस्तों 15 साल तक आप इन्वेस्ट करेंगे उसके बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। आप अपने बच्चों के लिए ये स्कीम ले सकते हैं, आप अपनी फैमिली के फ्यूचर को देखते हुए ये स्कीम ले सकते हैं। और दोस्तों पोस्ट ऑफिस PPF स्कीम के अंदर लोन की फैसिलिटी मिलती है, टैक्स बेनिफिट मिलते हैं और प्री मैच्योर क्लोजर की फैसिलिटी मिलती है, यानी कोई पर्सन जिसको पहले पैसे की जरूरत पड़गी पॉलिसी के दौरान तो वह पोस्ट ऑफिस PPF अकाउंट से अपने पैसे लिंक करवा सकता है या फिर लोन ले सकता है और इसके अंदर अच्छे टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। और दोस्तों यदि इसके अंदर रिटर्न कैलकुलेशन की बात करें तो कोई भी पर्सन यदि पोस्ट ऑफिस PPF स्कीम के अंदर 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करता है 30 साल के लिए, ठीक है दोस्तों, तो उसे इंटरेस्ट ऑफ रेट दिया जाएगा 7.1% और उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगी 36 लाख रुपए और उसे मैच्योरिटी के टाइम 1,23,60,728 रुपये मिलेंगे, यानी आप 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके करोड़पति इस स्कीम के अंदर बन सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों पोस्ट ऑफिस RD स्कीम या फिर RD अकाउंट। यदि दोस्तों कोई भी पर्सन यदि अपने फ्यूचर के लिए कोई सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के साथ, तो वह पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना RD अकाउंट ओपन करवा सकता है और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके अंदर दोस्तों कोई भी पर्सन 100 रुपये मिनिमम इन्वेस्ट कर सकता है और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कितने भी रुपये मैक्सिमम इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। और दोस्तों यदि इसके अंदर मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो इस स्कीम के अंदर 5 से 10 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है, अपने हिसाब से कोई भी मैच्योरिटी पीरियड आप इसके अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर इंटरेस्ट ऑफ रेट की बात करें तो 5.8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑफ रेट दिया जाता है, तो कोई भी पर्सन जो अपने फ्यूचर के लिए एक रिस्क फ्री
इन्वेस्टमेंट करना चाहता है थोड़े थोड़े पैसों के साथ, तो वह पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना आरडी अकाउंट ओपन करवा सकता है। और इसके अंदर यदि रिटर्न कैलकुलेशन की बात करें, तो कोई भी पर्सन यदि इस स्कीम के अंदर 10,000 रुपये मंथली डिपॉजिट करता है 10 साल के लिए, तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी दोस्तों 12 लाख रुपये। और यदि इसको 5.8% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है, तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 4,26,476 रुपये, और मैच्योरिटी के टाइम उसे टोटल रिटर्न मिलेगा 16,26,476 रुपये। इसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग स्कीम या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, दोस्तों ये भी पोस्ट ऑफिस की कुछ टॉप स्कीम के अंदर आती है, क्योंकि दोस्तों कोई भी पर्सन इस स्कीम के अंदर एक सेफली इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो भी रिस्क फ्री, क्योंकि दोस्तों इस स्कीम के अंदर 1,000 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कितने भी रुपये मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकता है और फ्यूचर के लिए सेव कर सकता है। इसके अंदर दोस्तों यदि इंटरेस्ट ऑफ रेट की बात करें, तो इसके अंदर 6.8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑफ रेट दिया जाता है, और इसके अंदर अच्छा खासा टैक्स बेनिफिट मिलता है, ना कोई TDS कटता है। इसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या फिर नेशनल सेविंग स्कीम, दोस्तों इस स्कीम के अंदर यदि कोई भी पर्सन यदि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ अपने लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वह पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग स्कीम ले सकता है। इसके अंदर 1,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, यानी कितने भी रुपए इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर इंटरेस्ट ऑफ रेट की बात करें, तो इसके अंदर 6.8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑफ रेट दिया जाता है, और इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे टैक्स बेनिफिट्स हो गया, या फिर इसके अंदर TDS नहीं कटता, इसके अंदर आप कितने भी रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता, यदि आप एक लिमिट तक इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों यदि कोई पर्सन जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है लॉन्ग टाइम के लिए और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहता है, तो वह पोस्ट ऑफिस के अंदर नेशनल सेविंग स्कीम ले सकता है और इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। इसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, दोस्तों पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट स्कीम है, क्योंकि दोस्तों इस स्कीम के अंदर कोई भी पर्सन एक लॉन्ग टाइम के लिए अपनी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके अंदर दोस्तों कोई भी पर्सन 5 साल तक इन्वेस्ट कर सकता है, और इस स्कीम को 55 से 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति ले सकते हैं, यानी एक लिमिट के अकॉर्डिंग ही ली जा सकती है स्कीम। और इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे इसके अंदर टैक्स फ्री इंटरेस्ट ऑफ रेट होता है, या फिर प्री मैच्योर क्लोजर की इसके अंदर फैसिलिटी होती है, और इसके अंदर इंटरेस्ट ऑफ रेट की बात करें, तो 7.4% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑफ रेट इस स्कीम के अंदर दिया जाता है। तो दोस्तों यदि कोई पर्सन यदि लॉन्ग टाइम के लिए कोई इन्वेस्टमेंट चाहता है रिस्क फ्री, तो वह पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ले सकता है। इसके अंदर दोस्तों यदि कोई पर्सन यदि 15 लाख रुपये इन्वेस्ट करता है 5 साल के लिए, तो उसे इंटरेस्ट ऑफ रेट दिया जाएगा 7.4% के हिसाब से, और उसे क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा इसके अंदर 27,750 रुपए, यानी क्वार्टरली तौर पर इस स्कीम के अंदर इंटरेस्ट ले सकते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे आप मैच्योरिटी बताते जाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों कोई पर्सन यदि अपनी एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहता है पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो वह सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ले सकता है और इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये कुछ पोस्ट ऑफिस की बेस्ट स्कीम थी जो टॉप लेवल पर चल रही है, और बहुत ज्यादा लोग इन स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यदि आप भी लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर मंथली इनकम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए कोई स्कीम लेना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, तो आप पोस्ट ऑफिस की इनमें से किसी भी स्कीम को ले सकते हैं और अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छी सेविंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका इनके बारे में कोई भी सवाल या क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, फ्रेंचाइजी से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।